नमस्कार, मैं जानी संसार और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन बैंक। बिहार में आधे से ज्यादा फेज में चुनाव हो चुका है, महज दो फेज का चुनाव बचा हुआ है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में हम खड़े हैं, यहाँ बिहार के कोने कोने के लोग रहते हैं और यहाँ उनसे जानेंगे कि यहाँ इस लोकसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी है, एनडीए का या गठबंधन का। आइए जानते हैं, कुछ युवा हमारे साथ है, उनसे भी जानते हैं क्या लगता है एनडीए या गठबंधन। गठबंधन जीतेगा क्योंकि एनडीए ने जिस प्रकार 2 करोड़ नौकरी का रोजगार का वादा किया था उन्होंने तो दिया नहीं, ऊपर से 45 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो रोजगार का, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सर्वे, इंडिया का ही खुद का सरकार का सर्वे जिसमें दिखाया गया कि 45 साल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऊपर से 15 लाख। क्या कहें मोदी जी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अमित शाह कह रहे हैं कि ये जुमला है, ऊपर से क्या क्या बयान दिया जा रहा है। अब देखिए, हमारे राजीव गांधी जी जो हमारे देश के लिए इतना कुछ कर दिए, जो कंप्यूटर लाए जिसका विरोध खुद भाजपा ने किया, उसके बावजूद आज ये लोग क्या कर रहे हैं, उन पे लांछन लगा रहे हैं कि बोफर्स घोटाला की, ये घोटाला की है। हम तो बोलेंगे केंद्र में तो मोदी जी ही रहे। यहाँ कौन चाहिए आपको बिहार में? यहाँ नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार से काम अच्छा किया यहाँ? देखिए ना, आपके सामने में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो साफ सुथरा दिख रहे हैं, सब आपके सामने में है। गरीबों के नेता कहा जाता है कि लालू यादव है, वो तो मानने के पर है, मगर जब तक हम अच्छा काम नहीं किया तब तक वो कैसे अंदर है, ये भी तो देखिएगा। क्या लग रहा है बिहार में एनडीए का गठबंधन? एनडीए का गठबंधन क्या एनडीए जीत रहा है क्या? जी अच्छा, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, मोदी सब कोई मोदी का नाम ले रहे हैं, नीतीश क्या है, मजबूरी है क्या? नीतीश कुमार मजबूरी क्या है, दोस्त है, साथी है, सब मिल के साथ विकास के कार्य कर रहा है। सेंट्रल दो इंजन का जब लगा सरकार बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट मिल के हर गांव में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में, हर नगर निगम में रोड, बिजली, सड़क। हाँ, महागठबंधन का लहर है। कितना सीट जीत जाएगी महागठबंधन? लगभग 40 में अनुमानित किया जाता है कि 33 तक आने का अनुमान है। ठीक है, और देखिए एनडीए का सफाया हमारे बिहार से, नीतीश कुमार को लोग इसलिए उससे नफरत करने लगे कि वो ना मुजफ्फरपुर कांड का कोई एक रिपोर्ट दिए, ना कोई लोगों को जैसे हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप, पुलिस में बहाली नहीं है, ये सब तो काम था, इसलिए इनको मतलब लोग का बिल्कुल नहीं चाहते। ये समझने वाली बात है कि लॉजिकली हमको अगर देखते हैं तो मोदी जी बिल्कुल जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी जीतने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज को समझने के लिए कि सिर्फ सरकार बनना ही क्या मतलब निश्चित बात है। हाँ, सरकार जब बनता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ आती है, उसमें शिक्षा आता है, उसमें व्यवस्था आता है, उसमें प्रशासन आता है, उसमें आपका स्वास्थ्य आता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर जब तक सरकार किसी की बने, हमारी ज़रूरत जो आम जनता की है वो, भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें करीबन आपको 1.3 बिलियन मतलब समझ रहे हैं 130 करोड़ लोग रह रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि सरकार उनकी बने जो पूरे लोगों को लेकर के चले। गठबंधन गठबंधन तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं, मोदी पर भरोसा नहीं, क्यों नहीं, किस मुद्दे पे वोट किया? ये आरक्षण के मुद्दे पर है, आरक्षण, शिक्षा वगैरह भी, शिक्षा वगैरह है, गरीब लोग बहुत मर रहे हैं। नीतीश कुमार इतना अच्छा काम किए, रोड बनाए, अच्छा काम नहीं किया, रोड बनाने से क्या, रोड पे पेट भर दे रहा, मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी भूख मर रहा है ना। गरीबों का नेता लालू यादव, गरीबों का नेता लालू यादव है, आरजेडी जिंदा। कितने सीट से महागठबंधन जीत जाएगा यहाँ? अब मेरे विधानसभा में तो 2.5 लाख से नीचे नहीं जीतेगा। कौन सा विधानसभा? पाटलिपुत्र क्षेत्र, पाटलिपुत्र से और सिर्फ मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी एकदम 100% पिछले बार से भी ज्यादा सीट पे आएंगे। क्या लगता है? मोदी ऑब्वियसली, सब कोई मोदी मोदी, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार मजबूरी है, मोदी जरूरी है, मोदी को ये बात भी ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जरूरी है। नीतीश कुमार मजबूरी है? नहीं, मजबूरी नहीं, नीतीश कुमार भी अच्छा काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से या प्रोग्रेस के हिसाब से ठीक है काम। क्या बात है, स्टेट की नहीं हो रही है, सेंट्रल की हो रही है। जब सेंट्रल की हो रही है तो मोदी ने जो पिछले 5 साल में जो काम किया है और जो देश को एक ऊंचाई पर ले गए हैं, तो सही में वो अगले जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरे जो है वो डिजर्विंग एक देश का मान बढ़ाया है। आज भारत सबसे आंख में आंख मिला के बात करता है, न पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर का कोई भय है ना कुछ, वो आज के डेट में डर रहा है। एनडीए? अच्छा, एनडीए का क्या लगेगा? एनडीए ही आएगी। मतलब एनडीए किस लिए, नीतीश कुमार को देख रहे हैं या फिर बीजेपी में इसको देख रही है, मोदी को? दोनों को देखकर। अच्छा, नीतीश कुमार स्पेशली क्या है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो मोदी को देखकर ही किया जाता है। अच्छा,
ठीक है, मोदी को पीएम बनाना हुआ इसलिए बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। नीतीश कुमार के बारे में क्या राय? नीतीश कुमार अच्छे सीएम है बिहार के लिए और बिहार का बहुत सारा डेवलपमेंट उन्होंने किया है। मतलब जिस समय से और अभी का जो समय बहुत ही अंतर आया है। मैं तो महागठबंधन के ही साथ हूँ। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता हैं, क्या कहना चाहिए उनके बारे में? उनके बारे में कहना चाहिए कि वो काफ़ी अच्छे नेता हैं और उनके जो बोलने की शैली है कि युवा है तो वो हो सकता है युवाओं के लिए काम करें, हो सकता है क्या करेंगे, उन्होंने वादे किए हैं और बहुत सारे चीज़ ऐसे वादे भी किए हैं। एनडीए क्यों नहीं पसंद है? नीतीश कुमार ने काम किया यहाँ बिहार में, इतना विकास हुआ बिहार का, फिर भी युवाओं को क्यों नहीं पसंद? आपको क्या लगता है बिहार का कितना विकास हुआ है? रोड सड़क तो चमक रहा है पहले से। कहाँ चमक रहा है? आप जाइए, आप ये गांधी मैदान के पास इसलिए बोल रहे हैं, आप किसी मोहल्ले में जाइए, कॉलोनी में जाइए, फिर अंदर का सड़क देखिए, नाले देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ कितना विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी? अच्छा, बीजेपी का, एनडीए का आपको लगा? एनडीए जी। अच्छा, क्यों एनडीए बिहार में? क्योंकि यहाँ पर मोदी जी अभी तक में जितना भी अगर देखा जाए पहले के बराबर में अभी का ग्रोथ भी बहुत सब जगह से हुआ है और पॉजिटिव आंसर भी आते हैं हर जगह से। अच्छा। इसलिए और स्टूडेंट के लिए तो खैर हम लोग के लिए मोदी जी बहुत ऐसा कुछ तो नहीं है बिहार में कि नीतीश मजबूरी है मोदी जरूरी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश कुमार भी अपने जगह सही है। देखिए, अगर हम बोले तो गठबंधन की इस बार सीटें आनी चाहिए ऐसा लग रहा है। एनडीए को हम लोगों ने चुना था 5 साल में, वो सेंट्रल में भी ये सरकार के साथ रहे और हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास उनके जो मुद्दे थे, घोषणा पत्र आता है, उस घोषणा पत्र में उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे जो वो पूरा नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है कि इस बार लोग चेंज चाहता है, क्योंकि अब आपने जो जो बात बोला वो आप पूरा कर नहीं पाए, तो उसको चेंज चाहने के लिए लोगों का एक कबीर गठबंधन को लोग चाह रहा है। हाँ, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री दे? जी नहीं, नहीं, हमने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री दे रहे, सत्ता का चेहरा आने में देर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं। लेकिन मोदी विरोधी है, मोदी पसंद नहीं है? मोदी जी हमें, जब हमने 5 साल पहले हमने उन्हीं को वोट दिया था, बहुत पसंद थे क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी दूर करने की बात की थी और ऐसा वो कुछ कर नहीं पाए, तो अब ये एक तरह का लगता है कि अब ये उन्होंने बहुत सारे वादे किए बट पूरा नहीं कर पाया उन्होंने। हमको तो लग रहा है नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। नरेंद्र मोदी? हाँ, पूरा। आपको क्या लग रहा है? हमको भी वही है, वही जीतेंगे मोदी। हाँ, मोदी बिल्कुल, बीजेपी। नीतीश कुमार काम किए, क्या लगता है आपको? हाँ, वो तो काम किए, मगर पूरा इंडिया अब नरेंद्र मोदी को ही अब सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए नरेंद्र मोदी। कोई मुद्दा होगा आपके पास कि इस मुद्दे की वजह से नरेंद्र मोदी, कोई मुद्दा बताइए आप। नहीं नहीं, वो तो हर जगह जानता है, पूरा दुनिया जानता है, वो तो इंडिया का शेर है। अच्छा, और वो जो भी काम करते हैं एकदम ताल ठोक के करते हैं अच्छा से। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है कि न वो शिक्षा दे रहे हैं, न रोजगार दे रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं वो भी उससे भी मुखर जा रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, उनका कहना गलत है। हमने दुआ है, आपको सब कुछ मिल रहा है शिक्षा? हाँ, हमको मिल रहा है, नौकरी सब मिल रहा है। अब नौकरी की अब राह पर चले हुए हैं, अब मिलना ना मिलना वो तो बाद की बात है, लेकिन उनकी तरफ से कोई हमको परेशानी नहीं है। यादव पे भरोसा है कि आएंगे तो काम करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि जंगल राज था पहले का राज। नहीं, वो जंगल राज ऐसा ये लोगों के मन में ऐसा धारणा बना दिया गया है कि जंगल राज था, ये था वो था, पहले रेप होते थे, आजकल भी होता है, ऐसा नहीं है, आज भी होता है। आप बहुत सारे, कल चुनाव हुआ हमारे, हम सारण जिला से हैं, छपरा जिला से हमारे यहाँ चुनाव हुआ, बहुत जगह ऐसा देखने को मिला, ऐसा प्रशासन भी जो थी वो भी ऐसा काम वही तोड़ा गया था ना छपरा EVM। हाँ, छपरा में एक नया गांव जगह पड़ता है, वहाँ पे तोड़ा गया था, क्योंकि वो शायद उसके अब जो जिस बंदे ने तोड़ा उसने बोला कि EVM में शायद कोई गड़बड़ी थी, उसने वोट दिया लालटेन को या पता नहीं किसी भी पार्टी को दिया हो, वोट किसी और में चले गया, तो उसने EVM वहीं पटक दिया। क्या लग रहा है NDA या गठबंधन कौन ज़्यादा सीटें ला रही है बिहार में? चुनाव लगभग खत्म हो गया है, बिहार में लगता है कि NDA ही जा सकता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, नीतीश कुमार क्या कहना चाहिए? बिहार में CM है नीतीश कुमार, काम वाम किए? हाँ, बहुत काम किए घर के लिए। अच्छा, किस मुद्दे पर NDA को वोट दिए आप या देंगे? NDA को देश के मुद्दे पर दे रहे हम लोग। अच्छा, देश राष्ट्रवाद। अच्छा, तो देखा आपने पटना बिहार की जनता ने अपनी विभाग राय रखी कि इस लोकसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी होने जा रहा है और वो किस मुद्दे पे इस लोकसभा चुनाव में वोट कर रहे हैं और वोट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।